शाहजहांपुर से धर्मपाल राजपूत की रिपोर्ट, जितेंद्र सिंह राठौर बने नैतिक पार्टी के मंडल अध्यक्ष। शाहजहांपुर जलालाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आयोजन का संचालन तहसील अध्यक्ष तेजपाल कठेरिया जी द्वारा किया गया, जिसमें अध्यक्षता करते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी भारत परिषद गौरी शंकर त्रिवेदी ने कहा कि नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रभूषण पांडे जी, पूर्व न्यायाधीश विधि सलाहकार राजपाल सरकार द्वारा जितेंद्र सिंह राठौर को बरेली मंडल बरेली का मंडल अध्यक्ष व प्रभारी नियुक्त किया गया। इस शुभ अवसर पर आज राजपूत रेस्टोरेंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जलालाबाद के सभी पत्रकार बंधु मौजूद रहे। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसको हम तन मन धन के साथ निभाएंगे। मंडल के सभी जिलों की टीम जल्द गठित करके श्री पांडे के हाथों को मजबूत करेंगे और हमारे आए हुए सभी छायाकार बंधुओं, आप सभी लोगों यहां पधारे, इसका आभार हम कभी नहीं भूलेंगे। इस दौरान भारत परिषद के प्रदेश मीडिया प्रभारी गौरी शंकर त्रिवेदी ने कहा, नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पांडे जी द्वारा जो जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह को दी गई है, उसमें सभी कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। उनके द्वारा चलाए जा रहे गांव की सरकार मिशन को लेकर गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जानकारी देंगे और उस पर अमल कराएंगे, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायतों के पास अभी मात्र 9 विभाग दिए गए हैं, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार पंचायती राज को 29 विभाग का अधिकार दिया जाए, जिससे गांव का विकास हो सके। जब गांव का विकास होगा, तभी हमारे ग्रामीण भाई तरक्की पर आएंगे। इसी दौरान तहसील अध्यक्ष भारत परिषद के तेजपाल कठेरिया, जिला महासचिव रविंदर वर्मा जी द्वारा नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के अवसर पर हमारे जनपद के सभी पदाधिकारियों में उत्साह है, क्योंकि किसानों के हक की लड़ाई सिर्फ नैतिक पार्टी ने बीड़ा उठाया है। इस बिना को हम ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय पंचायत स्तर तक ले जाएंगे। भरोसा हम सभी श्री पांडे को देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह जी लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश मीडिया प्रभारी गौरी शंकर त्रिवेदी, भारत परिषद तेजपाल कठेरिया, अंकित मिश्रा, अभिषेक त्रिवेदी, तहसील महासचिव भारत परिषद और हमारे छायाकार बंधु उपस्थित रहे। आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी से आशा करता हूं कि हमारे गांव के मिशन पर प्रकाश डालते हुए किसान भाइयों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने में योगदान प्रदान करें। आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जलाना पार्टी क्यों क्यों किस संबंध में? क्यों? मैंने हमारी नैतिक पार्टी का एक उद्देश्य, एक ही नारा है, गांव की बने सरकार। जैसे कोई कंपनी अपनी कीमत अपने ब्रांड पर लगाती है, ऐसे ही हमारे किसानों की कीमत, अनाज की कीमत हमारी उनके निर्धारित कीमतों से होना चाहिए। यह नहीं है कि दलालों की कीमत के अनुसार हो। जैसे सरकारी कीमत 1850 रुपये धान की लगाई गई थी अभी, और मंडी में 1000 रुपया प्रति कुंटल बिका, ये उनके साथ अन्याय है। तो आपने अभी कितने गांव में जाकर किसानों से आप मिले हैं और उनकी समस्याओं कितनी बार आपने सुना? इसके लिए तो शायद हमारी तरफ से काफ़ी गांव जाए चुके हैं। हम इसके लिए तीन नाम तो नहीं बताए थे, यश मताई काफ़ी गाँव में गए, काफ़ी गांव में दर्द सुना है। हर आदमी रो रहा है, हर किसान परेशान है, दुखी है। आपने क्या किया लोगों के लिए? इसके लिए किया है कि हमने कि अधिकारियों से बात करना, उनसे समाधान ढूंढना, मगर कोई भी अधिकारी समाधान ढूंढने के बजाय दाएं बाएं बदले ध्यान देने लगता है। अच्छा सर जी, एक बात ये आप बताइए, जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें आप किसानों के साथ कैसे खड़े उतरे हैं और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो क्या कर रहे हैं किसानों के? इसके लिए मेरा पूरा उनके लिए समर्थन है, किसानों के साथ। आज भी जो कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी वही नीतियाँ मेरी उसमें लगी हुई है और उसी के साथ मैं भी चल रहा हूँ। उनके साथ जो किसानों के साथ हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिले इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा हम तैयार हैं। और ये अभी एक चला था धान केंद्र वाला, किसान मतलब किसान परेशान है, इसमें क्योंकि कायदे में अधिकारियों को जाना चाहिए था मौके पे या मंडी स्तर से, अभी तक एक बार केवल अधिकारी पहुंचे, इसके बाद अभी तक अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे? अधिकारियों ने बैठे तो बीच में अपनी तैयारी मौजूद है, कमीशन पूरी चल रही है, अभी तक कोई तुलाई नहीं हुई, अब आखिर में एकदम के स्टाफ पूरे हो गए। अधिकारी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अब अधिकारी जाने, हम लोगों का कहना है अधिकारी नहीं जा रहे हैं। आखिर में क्या दिख रहा है कि जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ सख्त नियम अपनाए हैं कि पूछा जाए कि इनको कल हमारा धान सही तुल रहा है नहीं तुल रहा है, तो अधिकारी लोग प्राइवेट धान खरीद रहे हैं और उसको सरकार में तोड़ रहे हैं। जितेंद्र सिंह राठौर जी को मंडल अध्यक्ष मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है,
जिसके कार्यक्रम लगातार 3 दिन से सीतापुर लखनऊ से प्रस्थान करते हुए जलालाबाद शाहजहांपुर का कार्यक्रम हुआ। तो हमारे पांडे जी का मुख्य उद्देश्य गांव की सरकार बनाई है। जिस तरह हमारे ब्लॉक प्रमुख होते हैं, इसी तरह ये सारी सुविधाएं हमारी ग्राम पंचायत के लिए है। जो प्रधानों के पास अभी 9 विभाग दिए गए हैं, उन प्रधान लोगों के लिए 29 विभाग स्वीकृत है, लेकिन हमारी सरकारें नहीं चाहती है, हमारे MP MLA नहीं चाहते हैं कि इन विभागों को प्रधानों को दिया जाए। तो इस संदर्भ में जो हमारे राष्ट्रीय जी ने मिशन चलाया है गांव की सरकार द्वारा, गांव की सरकार बनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारे अन्नदाता किसान भाई अपने अन्न का रेट नहीं लगा सकते।